और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम वक्त का समय बचा है। विपक्ष लगातार अपने कुनबे का विस्तार कर रहा है, वहीं बीजेपी भी पुराने सहयोगियों को साथ लाने की जुगत में जुटी है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने की भी कोशिश कर रही है। लाल किले पर नजरें गड़ाए विपक्षी दलों के महाजुटान की काट के लिए एनडीए भी अपने कुनबे के विस्तार में जुट गया है। पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाने की कोशिशें तेज हुई हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, उसे इससे समझा जा सकता है कि वो अपने कैबिनेट में बड़े बदलाव के जरिए गठबंधन सहयोगियों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ करने की आजमाई हुई रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इस रणनीति के तहत बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत गुट को केंद्रीय कैबिनेट में मौका मिल सकता है। हर चीज की तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत की दुनिया में साख बढ़ी है, मान बढ़ा है, जो विकास का पैमाना बढ़ा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था हो गई है, गरीबों का कल्याण हुआ है, इसको देख के अगर कुछ लोग विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। 28 जून की देर रात पीएम मोदी ने अपने आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ 6 घंटे तक मैराथन बैठक की थी। उसके बाद से ही मोदी मंत्रिपरिषद में बड़े फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। इसके जरिए बीजेपी इस साल चुनाव वाले राज्यों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय, जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। 2014 और 2019 में तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत मिल गया था। अब कुनबे को सहेजने और पुराने सहयोगियों को वापस लाकर बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है, ताकि अगर वो कुछ सीटों के अंतर से बहुमत से चूक भी गई तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज 24।